बताएं अपना कहाँ से बोल रहे हैं सर। मैंने वो बोल रहे थे कि हम आधार कार्ड दे रहे अपना, पैन कार्ड दे रहे अपना, तो उन्होंने बोला कि पैन कार्ड भी दे रहे हैं और जो बैंक की वो होते हैं ना ब्लैंक चेक, अच्छा वो भी दे रहे हैं, जिन्होंने बोल रहे कि जितना पैसा आप दोगे कि उसका ब्लैंक चेक काट के देंगे और एफिडेविट पे, जैसे कि एफिडेविट होता है ना, तो एफिडेविट पे मतलब जैसे हमने कोर्ट के द्वारा अग्रीमेंट करवाया, कुछ सबूत लिखवाया, एफिडेविट पे साइन करके दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानकारी चाहना चाहता हूँ कि फ्रॉड तो नहीं है ना सर जी? अब मेरे से आप पूछ रहे हो इतनी दूर के फ्रॉड है कि नहीं है, मैं बैठा हूँ कनाडा में, मेरे को क्या मालूम कि कौन लोग हैं कैसे लोग हैं। आपने उनसे डील करते वक्त तो सोचा नहीं ज्यादा, लेकिन अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि वो फ्रॉड है, मैं कैसे बता दूं पहली बात। दूसरा, आपके पास कोई जॉब ऑफर का कोई कागज नहीं है, कोई LMIA का कागज नहीं है, कोई वो जो आदमी है उनकी कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नंबर नहीं है आपके पास, तो मैं कैसे बता दूं कि वो कौन है? सर अभी वो बोल लेते कि आपका ऑफर लेटर आया है, ठीक है सर? अच्छा, तो ऑफर लेटर पे मैं अभी गया नहीं हूँ, उन्होंने बुलाया था, मैं गया नहीं सर। तो ऑफर लेटर आपको भेजते क्यों नहीं, वहां जाने की क्या जरूरत है आपको? वैसे आप कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में कहाँ पर हो? मुजफ्फरनगर में सर। मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फरनगर में ही ऑफर लेटर भेज दें ईमेल से, वहां जाने की क्या जरूरत है इतनी दूर? जी सर। तो उनसे कह दो कोई लेटर इतने वहीं पर भेज दें ईमेल से, वैसे ही देख लेंगे। और उनके पास वो ये लोग हैं कौन, है कोई मिडिल मैन है, कोई एजेंट है किसी वकील के, या आपने उनका कोई नाम पता नहीं ये पूछा नहीं उनसे? पूछा है सर, नाम उनका विकास है, नंबर भी है मेरे पास। नहीं, ये इन लोगों को कनाडा का जॉब ऑफर मिल कैसे गया, वहां बैठे बैठे कैसा जॉब मिल गया वहां पर चंडीगढ़ में? जी मैंने उनसे उनका वो नंबर पूछा है कि आपके पास ये कौन सा नंबर होता है, कनाडा का जो नंबर होता है ना, कि आपके पास वो है? बोलने लगे है। कितने एजिट का होता है सर? किसका? ये जो कनाडा का, मतलब कहने का हमें कोई कुछ डील करना है तो उसके बारे में हमें जानना है कि भाई ये डील कर रहा है या नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है सर? वो जो कुछ भी होता है होता है। आपके पास क्या नंबर है आप बताओ, आपने कौन सा नंबर नोट किया? नहीं सर, मैं पूछ रहा था, वो बोल रहे थे है हमारे पास, मैंने अभी उनका नंबर कुछ नहीं दिया, मैं वो आपसे तो पूछना चाहता हूँ। उनको लिख के, उनको कहना कि लिख के दो, जो भी उसका जो कनाडा में जो आपका जो लॉयर है या कंसल्टेंट है उसका पूरा नाम एड्रेस पता लाइसेंस नंबर सब लिख के दो, उसके बाद फिर बात करेंगे। अभी तो सब ये हवा में बातें हो रही हैं, अभी कुछ कोई ठोस चीज नहीं है आपके पास, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें आगे कुछ निकलने वाला है। जॉब किस चीज का है? जॉब बिलिंग का बताया सर। बिलिंग का? जी सर। वो क्या होता है बिलिंग? जैसे कि हम मॉल है, मैं कोई भी मॉल ले लो, उसमें हमने कुछ सामान लिया और हाँ, उसमें बिलिंग करती है, मतलब बिलिंग जैसे कि कंप्यूटर था, स्कैन किया, स्कैन करने के बाद बिलिंग हो जाती है ना। अच्छा, बिलिंग हो जाती है। तो बिलिंग के लिए उनको कनाडा में और वर्कर नहीं मिलते, उनको जरूरी है मुजफ्फरनगर से ही उनको रिक्रूटमेंट करनी है? नहीं नहीं सर, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सोचें कि बिलिंग के लिए जॉब के लिए मुजफ्फर गए, वो हायरिंग रिक्रूटमेंट से वर्कर ले रहे हैं, उनको कनाडा में कोई जॉब नहीं, वहां पर कोई वर्कर नहीं मिल रहा है। आप क्या नौकरी करते हो यहाँ पर? मैं तो बिलिंग का ही काम करता हूँ सर। आप भी बिलिंग का काम करते हो और उन्होंने भी बिलिंग की नौकरी आपको लगा दी है? जी सर। तनख्वाह कितनी बोली है? तनख्वाह का अभी कुछ वो नहीं बताया कि भाई अभी कुछ नहीं है, मतलब मैं एक डिसीजन नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, बढ़ती घटती आती है वो, तो उसमें पता लगता है ऑफर लेटर में, उसमें सॉरी जब आपका अग्रीमेंट होता है तो सब लिखा होता है, बोल लेते। बढ़ती घटती रहती है, अग्रीमेंट हुआ नहीं अभी और अग्रीमेंट जब होगा तब लिखी जाएगी। ये सब बातें जो है ये धुएं में घूम रहे हैं भाई, यहाँ पर कुछ असली चीज निकल के आने वाली नहीं है। और इसमें आप, मेरे ख्याल है कि आप यहीं पर उसको बंद कर दो, आपकी मर्जी है, पर मेरे को लगता है इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, आप पिछले एक आध साल में मेरे ख्याल 20-25 ऐसी वीडियोस हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से लोगों ने ऐसे अप्रोच किया चंडीगढ़ मोहाली में, लोगों से जॉब्स ली और जॉब्स में कुछ निकला नहीं। एक बंदा तो ही, उसका नाम मैं भूल गया,
जो यहाँ पर यूपी का था, जौनपुर का शायद, तो उसके 50,000 भी फंस गए थे, और 50,000 को वापस कराते कराते बड़ा टाइम लग गया उसे, और बड़े मुश्किल से शायद अभी भी 10,000 ये से बोल रहे हैं, अधिक। वो बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए लगेंगे, बोल रहे हैं, मतलब कहने का मैंने कुछ पैसा नहीं दिया अब तक, बोल रहे हैं 1 लाख रुपए लगेंगे, 25,000 तो आपके पहले लगेंगे, और जो 75,000 रुपये है वो मैं पे कर दूंगा, बाद में मेरे को 1 महीने की सैलरी पे दे देना आप। अरे उससे पूछ ले पहले भाई, कि उससे पहले पूछ भाई, विकास या जो भी नाम है उसका, तूने पहले भेजे हैं किसी को वर्क परमिट पे कनाडा में पहले? इस क्या मैं ही पहला आपका पहला क्लाइंट हूँ? उससे पहले जो लोग गए हैं वो कहाँ बैठे हैं अभी, कहाँ काम कर रहे हैं, उनका कोई नाम पता दे दे भाई। ठीक है सर, मैं उससे आज ना अब उसका कंपनी का नाम पूछ के और जो नंबर वो देंगे या नहीं देंगे तो वो बता दूंगा मैं आपको। चलो मेरे को बताने की क्या जरूरत है यार, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आपको ही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे जी रहा हूँ, आपको थोड़ा जागृत कर रहा हूँ कि भाई जागो ग्राहक जागो, जी क्योंकि ऐसा सर, ना हो कि खड़े 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 आपकी जेब कट जाए लुट जाए। तो भाई से जो भी कंसल्टेंट है उससे भाई बोल के तूने पहले किसी का वर्क वीजा लगवाया है बिलिंग का, या किसी और वर्क वीजा लगवाया है उसका कोई का नाम पता दे दे, हम कनाडा में कॉल करके पता कर लें कि वो आदमी कहाँ काम कर रहा है, तनख्वाह मिल भी रही है नहीं है, क्या चक्कर है उसका। क्योंकि जी यहाँ सर, तो कहना बड़ा आसान है कि भाई ठीक है 1 लाख रुपए बाद में लेना ही लेना, ये सब क्या मैं बोलूँ आपके लिए। उससे पूछना विकास से भाई, जो कंसल्टेंट है, उससे कहना विकास तू कभी आज तक अपने आप तू कनाडा गया है, कनाडा का जॉब यहाँ दे रहा है? मना करी थी उन्होंने। हाँ, मना कर दी उन्हें? उसने ये कहा कि मैंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया वहां पे जाने के। मैं उससे यही सवाल किया था कि आप क्यों नहीं जाना चाह रहे हो भाई, इतनी तनख्वाह है वहां पे तो आप हाँ क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो वो बोलने लगे कि अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ सरकारी नौकरी के लिए फिर रहा हूँ मैं। हाँ वो इंटरेस्टेड नहीं है सरकारी नौकरी के लिए, और आपको बिलिंग की नौकरी दिला रहा है कनाडा में, वाह भाई वाह है, नहीं सर, हाँ जी बात बात सोचने वाली है। चलो भाई आशीष मैं क्या करूं, बस मैंने आपको इतना ही बता दिया कि 2-3 सवाल पूछ लेना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और आपको अपने सर, आप पता लग क्या जाएगा। बाकी उससे भी मेरे कुछ वीडियोस दिखा देना, जॉब ऑफर कहना कि भाई आपका किसी इसी कैटेगरी में नाम तो नहीं आता कहीं। जी, हाँ ये ठीक है, और बताएं और तो बाकी सब ठीक है? अगर अगर आपको मेरे से मिलना है कभी तो आप फरवरी में आ सकते हैं, फरवरी के 1st वीक में मैं दिल्ली में हूँगा 1 हफ्ते के लिए, अगर आपको मिलना है तो वहाँ भी आ सकते हैं। ठीक ओके सर, ओके सर, ओके है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया थैंक आपको यू, कॉल करने का भाई, थैंक यू सर, सर आपका थैंक यू। थैंक यू सर, टेक केयर।